आगामी जन्माष्टमी संदर्भे द्वारका देवस्थान कचेरी खाते प्रांत अधिकारी पार्थ तलसाणियाना अध्यक्ष स्थाने महत्वनी बैठक मळी हती, जेमां विविध सूचनों साथे ओखा अने बेट द्वारका जेटी पर टिकिट बारी वधारवा तेमज पार्किंग बोर्ड लगावा सूचनों तेमज द्वारका उत्सव कार्यक्रमना पण आयोजन अंगे जाणकारी आपवामां आवी हती। अने बैठकमां आगेवानो, विविध संस्थाओ अने पूजारी परिवार तेमज पत्रकारो अने अधिकारीओ हाजर रह्या हता। आगामी कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंगे ट्राफिक समस्या સર્જાય, વાહન પાર્કિંગની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા, હેલ્પ ડેસ્ક ઉભા કરવા સહિતની બાબતો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। हमने जगह जगह हम मैप लगवाएंगे ताकि ट्रैफिक का मैनेजमेंट प्रॉपरली बना रहे। सीसीटीवी कैमरास का यूज़ हो रहा है ताकि जितने भी नोटोरियस एलिमेंट्स हैं जो यात्रियों का सामान चोरी करते हैं या उनको दिक्कत देते हैं, उन पर भी पहले से ही चेक रखा जा रहा है। और अभी से जितना भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों से मिला जा रहा है और जितने भी उनके इश्यूज़ हैं अभी से रिजॉल्व किए जा रहे हैं। सब साथ आज मीटिंग करी द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी पगले गया वर्षे 8 लाख जेटला श्रद्धाळु आव्या हता। आ वखते पण अमे 8 लाख अने एना करता पण वधारे यात्रीओ द्वारकानी मुलाकात ले तो ए माटे तैयारी माटे तंत्र संपूर्ण सज्ज छे। छेल्ला 2 वर्षथी आपणे जे प्रमाणे तैयारीओ करीए छीए, कीर्ति स्तंभथी बेरिकेडिंग करी लोकोने वनवेमां प्रवेश आपी અને આપણું જે મોક્ષ દ્વાર છે ત્યાંથી લોકો બહાર નીકળે એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા ગોઠવીએ છીએ। જન્માષ્ટમી 7 સપ્ટેમ્બર 2023 ઉજવવામાં આવશે। ઠાકોરજીને કેસરી કલરના વાઘા ધરાવવામાં આવશે। ઠાકોરજીનું મંદિર પરિસર સુશોભિત કરવામાં આવશે। ઠાકોરજીને 2 વાઘા અર્પણ કરવામાં આવશે, એક સવારે 9 વાગે જે રેગ્યુલર રૂટીન મુજબ ધરવામાં આવે છે અને રાતના 12 વાગે જ્યારે ઠાકોરજીનો જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવે, એ બંને વાઘાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે।